मैं मेरे साथ वज़ीर इत्तेलात मुश्ताक पनाह साहब और वज़ीर तालीम इफ्तिखार गिलानी साहब और एक साथ मेरे PSO थे। हमने एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर हायर किया था, वो फौजी हेलीकॉप्टर नहीं था, प्राइवेट हेलीकॉप्टर था। एक बुनियादी वजह, एक तो ये फ़र्क है इसमें, जो मैं आगे चलकर आपको बताऊँगा। हम वहाँ कोटा में, हमारे मिनिस्टर हैं चौधरी अजीज साहब, उनके भाई का इंतकाल हो गया था, एक तो उनसे फातह पढ़नी थी, और दूसरा ये था कि चूंकि इस एरिया में अक्सर हिंदुस्तान की अफवाज जो हैं वो सिविल आबादी पर गोलाबारी करती रहती है, और हमारे बेशुमार लोग जो है दर्जन लोग इस सेक्टर में जो है शहीद हो चुके हैं, ये और उसके नीचे जो अब्बासपुर वाला सेक्टर है। तो एक तो उनके फातह पढ़नी थी, साथ ही ये भी दरियाफ्त करना था कि लोगों की सूरत हाल क्या है, जो हिंदुस्तान ने थ्रेट किया है, लोगों का मुराल कैसा है, लोग कैसे रह रहे हैं, कैसा मतलब कैसा महसूस कर रहे हैं। तो हम जब गुजरे तो हम LOC के बहुत साथ से गुजरे। सिविल एयरक्राफ्ट का ये होता है कि ये जीरो लाइन तक भी जाता है। होता यह है कि जब कोई फौज की मूवमेंट हेलीकॉप्टर जाता है, हम या वो, एक तो उनको पता होता है कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, और जब वो इतने करीब से जाए या जाना हो तो वो एक दूसरे को इतला करते हैं। तो ये एक सिविल एयरक्राफ्ट था, एक जेट जो हमने हायर किया था। हम जब LOC के साथ से गुजर रहे थे तो उन्होंने फायरिंग की बुजदलाना, ये दिखाने के लिए कि पाकिस्तान की तरफ से उसकी फजाई या जमीनी हदूद की जो है वो खिलाफ वर्जी होती है। ये एक उनका एजेंडा है जो दुनिया उगता, और अभी जो कुछ वाकयात हुए आपने देखा कि वो जो उसने थ्रेट किया इंडियन आर्मी चीफ ने, उस बातों को दुनिया को बताने के लिए कि मैं तो ये ना तो कोई गनशिप हेलीकॉप्टर था, ना कोई रिकॉन्सेंस एयरक्राफ्ट था, ये एक सिविल एयरक्राफ्ट था, और वो जीरो लाइन के करीब से होकर गुजरते हैं वो। तो वो चूंकि LOC हमारी ऐसी है, वहाँ कोई मार्किंग तो नहीं नीचे लगी हुई है कि देखिए जिससे नजर आए कि जी ये उसका ये इसका है, ये तो एक अंदाज़ा होता है जैसे पायलट से वो चलते हैं। तो हम उसके साथ से गुजरे तो उससे दुनिया को ये बताने के लिए पुंछ शहर के सामने से कि जी ये इन्होंने खिलाफवर्जी की है, और ये देखिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो उस वजह से जो है उन्होंने ये सारा जो है वो ड्रामा रचाया, और हम उसको तो अपने एरिए के अंदर थे जब उन्होंने हेलीकॉप्टर पर फायर किया। अगर आप उसको देखें, उसको जो उन्होंने पिक्चर मैंने अभी देखी है, वीडियो देखी है, जो पहाड़ी इलाका, हम उस पहाड़ी के साथ से जा रहे हैं, वो आज़ाद कश्मीर का एरिया है।